अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और ज़बरदस्त ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। तो आज हम जो ट्यूटोरियल बनाना चाहते हैं तो उसका प्रीव्यू देखिए। आज हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे। आप आफ्टर इफेक्ट्स खोलिए और उसके बाद आप न्यू कंपोजिशन में जाएं। न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करें, फिर यहाँ पर जो भी आपने टाइटल देना है, टाइटल इंट्रो वगैरह वो कर लें। इसकी विड्थ 192801080 या आप जैसा चाहें, और इसकी ड्यूरेशन का ख्याल रखिएगा। ड्यूरेशन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 8 सेकंड की रखी है। तो ये ओके कर लेंगे आप, तो मैंने क्योंकि पहले ही खोला हुआ है, क्योंकि अगर मैं बाकायदा स्टार्टिंग से बताना शुरू करूंगा तो बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल लंबा हो जाएगा। तो ये करने के बाद आपने करना ये है कि कंपोजिशन आपकी आ गई। अब उसके बाद आपने यहाँ पर जो मेरे पास पहले से एक वॉलपेपर है, ये एक वॉलपेपर है और इसका मैं आपको लिंक जो दे दूंगा उसके साथ जो भी एक फाइल बनाकर, तो ये आप उससे ले लेंगे, या कोई भी आप इस तरह का वॉलपेपर मुख्तलिफ साइट से मिल जाते हैं, डेवियन आर्ट वगैरह से या जो भी अच्छी साइट है, आप वहां से ले लेंगे। उसके बाद ये ओपन करने के बाद आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट लिखने के बाद आप जो आप यहाँ पर जो गोल्डन जो फ्रैक्टल के नाम से ये जेपीजी है, आप सर्च भी कर सकते हैं। ये आप जब यहाँ पर टाइमलाइन पे ले लेंगे और टेक्स्ट लिखने के बाद जब ये गोल्डन फ्रैक्टल का जो वॉलपेपर है, आप इसको यहाँ से इस बटन से आप अल्फामेट पे क्लिक करेंगे। ये आपने अल्फामेट पे क्लिक किया। मैट पे क्लिक करने के बाद देखें ये इसके अंदर जो आ जाएगा इसके बाद ये। तो ये करने के बाद आपने यहाँ पर जो आपकी इसकी टेक्स्ट की है एक कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के बाद कुछ इस तरह का इसका व्यू आ जाएगा। इसमें इफेक्ट्स जो हमने यूज की हैं वो बेवल यूज है। इफेक्ट्स में हम जाके इधर देखें, जो एजिस थिकनेस है 3.50 है और एंगल है 35.0 है। ये करने के बाद आप इसको कोलेप्स कर दें यहाँ से। फिर दूसरा इसी तरह आपने एक और कंट्रोल डी से एक और टेक्स की कॉपी लेनी है, कंट्रोल डी से। फिर उसमें जो एजिस थिकनेस है उसको सेम रखें और जो इसकी लाइट एंगल है वो 145 पे कर देंगे आप, और लाइट इंटेंसिटी 1 पे ही रहने देंगे। और ये करने के बाद आपके पास ये एक टेक्स्ट बन जाएगा। ये टेक्स्ट बन गया। इसके बाद आप इसको तमाम जो जितने भी लायर्स है उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लायर में जाकर इसको प्री कंपोज करेंगे, और यहाँ टाइटल या जो भी नाम दे के आप इसको यहाँ से ओके कर देंगे, क्योंकि मेरे पास पहले काम हुआ हुआ है इसीलिए मैं इस पे। और ये इस तरह फिर आपके पास एक न्यू कंपोजिशन आ जाएगी। न्यू कंपोजिशन आने के बाद आप यहाँ पर एक चीज और बतानी है जो आपको, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। प्रोजेक्ट में जाइए, स्पेयर यहाँ पर ये आपने फिर उस वो करने के बाद आपने एक और न्यू सॉलिड लेना है। लायर में जाइए, न्यू में जाइए और जब सॉलिड पे क्लिक करेंगे फिर इसी तरह इसको फ्रैक्टल का नाम दे दीजिएगा। वो सब करने के बाद फ्रैक्टल का नाम देंगे, सब सब की सब जो सेटिंग्स हैं वर्ड वगैरह वैसे ही रहने दीजिएगा। 19 मैंने तो 192010080 की भी है। ये करने के बाद आपके पास इस तरह एक जो शक्ल आ जाएगी आपके पास। और उसके बाद आपने इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में जाकर वहां पर फ्रैक्टल नॉइज सर्च करनी है। फ्रैक्टल नॉइज को आप सर्च करने के बाद ये देखें, जब फ्रैक्टल डालेंगे तो दो फ्रैक्टल आएंगे। फ्रैक्टल नॉइज ड्रैग करके आपने उस न्यू सॉलिड के ऊपर लेकर आ जाना है। ये
लाने के बाद आपने फिर यहाँ पर इसकी सेटिंग चेंज करनी है। सेटिंग उमूमन बेसिक पर होती है, तो उसको आप ना डायनेमिक पे कर देंगे, डायनेमिक पे कर देंगे। ये लाइनर पे अगर नहीं है तो ये लीनियर या लाइनर पे कर देंगे। और यहाँ पर ख्याल रखिएगा इन्वर्ट पे जरूर हो, इन्वर्ट पे करेंगे। फिर यहाँ पर कंट्रास्ट 115 या जैसे आपको अच्छा लगे आपके टेक्स्ट के हिसाब से, और यहाँ से -62। और मैंने यहाँ से सॉफ्ट क्लेम किया है, वाह ब्लैक और मुख्तलिफ हैं, आप जो भी आपको अच्छा लगे। और कॉम्प्लेक्सिटी 20 पे है, आप चेंज भी कर सकते हैं। और क्या है कि यहाँ पर स्टॉप वॉच एवोल्यूशन जो है वो मैंने यहाँ पर एनिमेशन के लिए किया है। ये जो एनिमेशन आपको नजर आ रही है इसी के जरिए हुई है। करना ये है कि आपने स्टॉप वॉच पे यहाँ पर इसको स्लाइडर को यहाँ पर रखने के बाद स्टार्टिंग में इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जब ये इस तरह का निशान घड़ी जैसा आ जाएगा तो फिर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ये करने से पहले सॉरी आपने इस स्लाइडर को एंड तक लेके जाना है। यहाँ आपने स्टार्टिंग से दोबारा बताता हूँ, ये आपने स्टार्टिंग में यहाँ स्टार्टिंग में रखा इसको, इसमें एवोल्यूशन की इस स्टॉप वॉच पे क्लिक किया। फिर उसके बाद इस स्लाइडर को एंड तक लेके गए। एंड तक ले जाने के बाद आपने इसको 100 पे रखना है, और 100 पे कर देंगे। उसके बाद 100 पे कर देंगे तो फिर उसके बाद ये इसके अंदर एक एनिमेशन आ जाएगी। एनिमेशन जब आ जाएगी तो फिर ये इस तरह नजर आएगा, जिस तरह ये आपको अभी इसमें थोड़ा क्लियर नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि क्योंकि इसमें सिस्टम में रैम इतनी अच्छी नहीं है। तो ये करने के बाद आप इसको कोलैप्स कर दें। फिर आप इसके बाद इस यहीं पर इफेक्ट्स में जाइए और कर्व सर्च करें, या यहाँ से डायरेक्टली इफेक्ट्स में भी जाके कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद ये कर्व्स नाम से जो प्लगइन है ये इसके ऊपर आप ड्रैग कर देंगे। ये करने के बाद आपने कर्व्स की सेटिंग करनी है। आरजीबी की सेटिंग देख लीजिए, बिल्कुल इस तरीके से आप जब इस पे लेके जाएंगे तो इसको मूव कर सकते हैं। ये देखें कि जहाँ आपकी सेटिंग अच्छी लगे आप उस तरीके से कर दें। रेड चैनल की अलग करनी है बिल्कुल इसी तरीके से, पहले आरजीबी की दोबारा देख लें। आपने इस तरह ले जाकर तकरीबन इस एंगल पे रखनी है। इसकी कोई पैरामीटर्स नहीं है, लेकिन एक अंदाजे से आप कलर हमने थोड़ा मैंने जो चाहा है थोड़ा सा बर्निंग कलर नजर आए, और इसी तरह फिर रेड भी इस तरह करना है आपने। ये देख लें सेटिंग, फिर ग्रीन को भी थोड़ी सी डाउन करके और इस तरह सेट करना है। फिर ब्लू ब्लू की भी देख लें, और इसी तरह फिर अल्फा के, अल्फा में मामूली सी चेंजिंग है। और ये करने के बाद आप देखें इसमें टेक्स्ट के ऊपर एक लाइटिंग भी शो हो रही है, जो कि ये असल में ग्लो है, ये ग्लो इफेक्ट्स हैं। और ग्लो इफेक्ट्स ये है कि हमने जो पहले टाइटल बनाया था उसको कंट्रोल डी से कॉपी लिया, और पहले फर्स्ट टाइटल पे ही आ जाए, हमने ऐसे रखा था, वो ऐसे था उसको देखेंगे। ये थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है अभी, या आप जैसा चाहें। ये करने के बाद हमने कंट्रोल डी किया था, और पहले उसकी टाइटल 1 की सेटिंग देख लें, उसमें ग्लो की क्या सेटिंग है। कलर चैनल्स पे हमने चेक रखा हुआ है, 40.45.9 उसकी जो ग्लो थ्रेशोल्ड सेटिंग है, ग्लो रेडियस 8.0 है। और मैंने ऑन टॉप पे, आप बिहाइंड भी कर सकते हैं, बिहाइंड करने पे ऐसा होगा, मैंने ऑन टॉप पे रखा हुआ है। यहाँ से ऐड पर है, और यहाँ पर जो है ए जो ग्लो कलर है वो मैंने ए बी पे ओरिजिनल पर ऐसा होगा, आप ओरिजिनल पे भी रख सकते हैं जैसे आपकी मर्जी। ट्राइंगुलर जो है मैंने ये थर्ड वाला सिलेक्ट किया हुआ है, और लूप्स 1 है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की, 56% पे मिड पॉइंट रखा हुआ। और यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल मैंने वर्टिकल पे रखा हुआ है। ये करने के बाद आप यहाँ पर आपने कॉपी ली और इसको और दिया। अब मैंने यहाँ से थोड़ी सी इसको कम कर दिया,
जो कि ग्लो थ्रेशोल्ड कम कर दिया, कम करने के बाद, और इसको मैंने 40, पहले 49 पॉइंट कुछ पे था, मैंने 40.8 पर इसको कर दिया, और जो कि ग्लो रेडियस है ये असल में इसकी एनिमेशन है जो हम चाह रहे हैं कि ना, यहाँ से मैंने जो जो एनिमेशन शुरू किया 0 से लेकर शुरू किया 100 तक, मैंने चाहे स्टार्टिंग 0 से करे और 100 जो एंड तक जाके 50 पर खत्म हो जाए। तो मैंने जब स्टार्टिंग में स्लाइडर को रखा, फिर इसके बाद स्टॉप वॉच पे क्लिक किया, फिर स्लाइडर को एंड तक लेके गया, और उसके बाद फिर यहाँ से इसकी एनिमेशन जो है 50 पे रख दी। तो ये देखें स्टार्टिंग में थोड़ा कम है एनिमेशन, जब थोड़ा मैंने बढ़ाने लगा ऐसे ऐसे बढ़ती रही और ये एंड तक जाके 50 पर ही हो गई। आप मुख्तलिफ स्टेप्स में भी कर सकते हैं, आप जैसे स्टार्टिंग में ग्लो ग्लो रेडियस की स्टॉप वॉच पे चेक किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाने के बाद आप उसको 10 पे कर दें, और सही मैंने 10 पे ही किया हुआ है, और थोड़ा और बढ़ाने के बाद 25 पे कर दें, फिर और बढ़ाने के बाद आप उसको 37 पे कर दें और 50 में, असल में ये इस तरह आ रही है, लेकिन ये है कि ये 50 पर जब लास्ट में करेंगे तो ये स्लाइडर खुद ही इसमें उसकी सेटिंग कर लेगा। तो आप उसको ज्यादा भी कर सकते हैं, उसकी कम भी कर सकते हैं, आपको जैसा बेहतर लगे। तो ये सब करने के बाद मैंने इसके अंदर ये असल में मेरे पास जो मैंने इसमें स्मोक इफेक्ट ऐड करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भाई नहीं, कुछ अच्छे नहीं लगे, तो इसलिए मैंने फिर रिमूव कर दिए। उसको कलराइज भी कर सकता है लेकिन कुछ मजा नहीं आया। तो ये सारी सेटिंग उसी की है जो कि मैंने एक ट्यूटोरियल में बताया था आपने किस तरह से स्मोक इफेक्ट से ब्लैक बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो ये सब उसी का है। और जब वो पूरा आप करने के बाद आपने आपने इस तरह का आपके पास, इसको थोड़ा छोटा कर लें, बीच में कर लें, ये करने के बाद आप देख रहे हैं ये एक मैग्नीफाई ग्लास की तरह ये मूव हो रहा है, ये देखें टेक्स्ट में। मानना चाहता हूँ मेरे पास सिस्टम इतना अच्छा नहीं है तो ये बिल्कुल क्लियर नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा करके बताता हूँ। ये देखें स्लाइडर मूव करने से ये आगे मूव हो रहा है, ये देखें। और तो ये एनिमेशन कैसे आई, मैंने जो है ये करने के बाद आप यहाँ से सर्च करेंगे SPHERIZE, स्पेराइज ये प्लगइन है, आपने ड्रैग किया यहाँ पर, ड्रैग करने के बाद जो कि इसमें जो ये कि ये लेफ्ट से चलेगा, ये जो सी मैग्नीफाई ग्लास की तरह ये लेफ्ट से चलेगा और ये एंड पे खत्म होगा। तो इसके लिए ये है कि ये देखें ये जो सेटिंग है, यहाँ 406 लिखा हुआ है, तो आपने स्टॉप वॉच पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया, और अंदाजे से थोड़ा सा आगे बढ़ाने के बाद आप उसको ये देखें उसके साथ उसकी सेटिंग चेंज होती जा रही है। तो मैंने क्या है कि अंदाजे से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर उसके बाद जैसे 400 पे था स्टार्टिंग में, तो फिर मैंने उसको 500 पे कर दिया, फिर जोड़ा आगे बढ़ाया, फिर वो देखें इसी तरह 600 पे किया, फिर आगे बढ़ा के 700 पे किया, करते करते 100 100 करके मैं बढ़ाता रहा बढ़ाता रहा, और बिल्कुल एंड पॉइंट तक ले गया, तो ये देखें 1700 तक ये पहुंच गया। जब ये स्लाइडर एंड में पहुंचा तो ये 1700 पर तक पहुंच गया, और उसके बाद फिर उसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखें ये इस तरह मेरे पास एक इफेक्ट बन गया, और ये करने के बाद फिर उसमें मैंने साउंड इफेक्ट ऐड किए। साउंड इफेक्ट का मैं नाम बता देता हूँ आपको, फाइल में किधर रखा मैंने, हाँ ये है, यही था शायद, एक मिनट हम देख लेते हैं ये वही है या कोई और है। डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करके यहाँ से रैम के बटन पे क्लिक करें,
ये वही है। तो ये साउंड इफेक्ट मैंने यहाँ पर ड्रैग किया, और ड्रैग करने के बाद यहाँ पर ऐड करने के बाद और फिर उसके बाद उसको सेव कर दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया।